गाइस, हर संडे को सबके घर में यही प्रॉब्लम होती है कि क्या बना जाए। तो क्या आपके घर में भी यही प्रॉब्लम है? आपके घर में भी जरूर ये प्रॉब्लम होगी। और जब घर के मेंबर से पूछो कि क्या बनाएं, तो उनका यही आंसर, कुछ भी। अब कुछ भी में समझ नहीं आता कि क्या बनाया जाए। आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी कि एक पंथ दो काज। तो आज मैं यही कहावत अपने नाश्ते में यूज करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं मैं एक ही बार में सबकी फरमाइश को कैसे पूरा करूंगी। आज जो मैं रेसिपी बनाऊंगी ना, वो रेसिपी आप अपने बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। आपके बच्चों से खुशी खुशी खाएंगे। तो चलिए नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज है संडे और आप तो जानते ही हैं संडे को होते हैं सबके नखरे। तो मैंने भी सबसे पूछा कि आज नाश्ते में क्या बनाया जाए। तो किसी ने कहा कि आलू का परांठा, किसी ने बोला प्याज का, तो किसी की फरमाइश थी कि कुछ चीज़ी सा बनाओ। तो भाई, इतनी गर्मी में सबकी फरमाइश पूरी करना तो पॉसिबल नहीं है, तो मैंने भी गजब का आइडिया लगाया। अब भी देखिए कि मैंने सबकी फरमाइश को एक ही बार में कैसे पूरा किया। मैंने ना यहाँ पर लिया है 2 बॉयल्ड मैश्ड पोटैटो, कैप्सिकम और प्याज। कैप्सिकम तो आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं, क्योंकि बच्चों के नखरे होते हैं कैप्सिकम ना खाने के, क्योंकि सारे शिनचैन के फैन है ना, और शिनचैन भी शिमला मिर्च ना खाने के बहाने ढूंढता है। लेकिन हाँ गाइज, अगर आप इस तरह से मेरी ये रेसिपी बनाएंगे ना, तो आपके बच्चे भी शिमला मिर्च खाना पसंद करेंगे। तो अब हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें आलू में मिलाना है नमक और मिर्च। अब इसे मिक्स करके थोड़ी देर साइड में रख देंगे। अब यहाँ मैंने लिया है आटा, ये नॉर्मल गेहूं का ही आटा है। इसको मैंने गोल रोटी की तरह थोड़ा बड़ा बेल लिया है। इसे ना ज्यादा मोटा और ना ही ज्यादा पतला बेलना है। अब रोटी बेलने के बाद हम इसके कॉर्नर में रखेंगे आलू का मिक्सचर। और आप चाहें तो चाकू से इस पर प्लस का निशान बना देंगे, तो इसके 4 कॉर्नर बन जाएंगे। अब इसके दूसरे पार्ट में हम कटे हुए प्याज और शिमला मिर्च रख देंगे और इसे अच्छी तरह से फैला देंगे। अब इसके थर्ड पार्ट में मैं लगा रही हूँ पिज्जा सॉस। आप चाहे तो ग्रीन चटनी या फिर टमाटो सॉस भी लगा सकते हैं। गाइस, अब बारी आती है चीज़ी फरमाइश पूरी करने की। तो मैंने ना इसमें एक साइड पर चीज लगा दिया है। यहाँ पर मैंने चीज स्लाइस का यूज किया है, आप चाहे तो ग्रेटेड चीज भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने 4-in-1 पराठा बना दिया है, इसमें सभी की चॉइस आ गई। अब यहाँ पर इसके एक कॉर्नर को कट कर देंगे और इस तरह से इसे फोल्ड कर देंगे। ये काम आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है, जिससे कि अंदर की फीलिंग ना निकल जाए। तो इस तरह से इसको फोल्ड करने के बाद हम इसे बेल लेंगे। इसे हल्के हाथ से धीरे धीरे बेल लेंगे। तो लो जी, 4-in-1 परांठा बेल कर तो रेडी हो गया है। अब आती है बारी इसके सेकने की। तो इसके लिए तवे को मैंने पहले से गर्म कर दिया था, अब इसके ऊपर पराठा सेक लेंगे। इसे एक साइड से हल्का सा सिकने के बाद हम दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। इसकी एक साइड पर मैंने घी लगाकर इसे करारा कर लिया है। वाओ, सुपर्ब गाइस, ये कितना प्रीटी लग रहा है। इसे देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। होप सो आपको भी इसे देखकर लालच आ गया होगा। अब जब कभी भी आपको कोई परेशान करे ना कि ये बनाना वो बनाना, तो आप इसी तरह का पराठा बनाकर उन्हें खिला डालना। तो 4-in-1 पराठा आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना। फुल ऑफ वेजीज और चीज से भरा हुआ यम्मी यम्मी टेस्टी पराठा बनकर रेडी हो गया है। आप इसे एक बार अपने बच्चों को जरूर बनाकर खिलाना है, वो हर बार इसी तरह के पराठे की फरमाइश करेंगे। आपका काम भी आसान हो जाएगा और आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो देखिए कितना क्रिस्पी और चीजी है ये। देखने में जितना सुंदर है ना, खाने में उससे कहीं ज्यादा टेस्टी है। क्योंकि आपको तो मालूम ही है, जो चीज देखने में सुंदर लगती है वो खाने में तो टेस्टी होगी ही। गाइस, अगर आपको मेरे 4-in-1 पराठे की रेसिपी पसंद आई है, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।